हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हो बिकम टेक। आपके सामने भाई खड़ी हुई है अपनी RC 125 2023 की बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है एंड E20 कंप्लाइंट इंजन के साथ आती है। इसका भाई फुल डिटेल रिव्यू करेंगे, इसमें क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाता है, चाहे बात करें टायर प्रोफाइल, इंजन स्पेसिफिकेशन एंड क्या प्राइसिंग पड़ जाती है एंड 2023 में ये व्हीकल लेना आपके लिए कितना बढ़िया होगा भाई, वीडियो तक आपको बिल्कुल मालूम चल जाएगा। एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे गाइस आपको इसके फ्यूल लो पे E20 की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इसका मतलब कि गाइस ये BS6 फेज 2 E20 कंप्लाइंट इंजन है। एंड चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते गाइस की से, तो वही ओल्ड वाली की यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एंड KTM की ब्रांडिंग मिल जाती है। काफ़ी पतली की यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। एंड गाइस उसके बाद अगर वेरिएंट की बात करेंगे तो सिर्फ सिंगल वेरिएंट में अवेलेबल होती है स्टैंडर्ड, एंड सिर्फ यहाँ पे आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलती है। एंड इसका प्राइस आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा। एंड फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं, तो ये गाइस इसकी ओवरऑल फ्रंट की प्रोफाइल, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टर बेस एलुमिनियम सेटअप है, हेडलैम्प मिलता है, पूरा ब्लैक रंग का वाइजर मिलता है एंड यहाँ पे आपको LED टर्न लाइट इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। मैं अभी आपको ऑन करके दिखा देता हूँ भाई। एंड आपको कुछ ऐसा पूरा सेटअप मिलता है। इधर आपको LED DRL मिल जाते हैं जो कि ओवरऑल व्हीकल के लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं एंड लुक वाइज सही लगती है भाई। एंड इसका जो वाइजर है ब्लैक रंग का वो ठीक लग रहा है। एंड यहाँ पे आप देखोगे रियर व्यू मिरर, तो काफ़ी सही टेक्सचर का यहाँ पे गाइज आपको रियर व्यू मिरर देखने को मिलता है एंड ठीक लगता है ये। एंड इसको आप फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हो एंड लाइक दिस। एंड ओवरऑल फ्रंट की प्रोफाइल इसकी सही लगती है। सामने नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो तो काफ़ी छोटा सा मडगार्ड देखने को मिलता है एंड डुअल चैनल ABS के साथ ही आती है। तो गाइज फ्रंट में भी ABS एंड रियर में भी ABS देखने को मिलता है। डिस्क ब्रेक आपको दोनों में ही देखने को मिलता है। एंड अगर बात करते हैं भाई टायर प्रोफाइल की, तो सबसे पहले अगर आप ये देख ले भाई, यहाँ पे आपको रेडियल टायर देखने को मिलती है। एंड गाइज अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको 110/70 सेक्शन के टायर मिलते हैं विद 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, 320mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, बाइब्रिक के कैलिपर्स आ जाते हैं इसमें, डुअल चैनल ABS के साथ आता है, तो फ्रंट एंड रियर दोनों में ABS देखने को मिलेगा आपको। एंड यहाँ पे गाइज आपको मडगार्ड देखने को मिलता है। सस्पेंशन की बात करें तो USD फोक सस्पेंशन देखने को मिलता है अपेक्स के एंड काफ़ी ठीक इसका सस्पेंशन का आपको यहाँ पे आपको पूरा क्वालिटी ओवरऑल देखने को मिलेगा। एंड ये गाइज इसके ओवरऑल लुक। साइड प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो गाइज ये है इसकी ओवरऑल लेफ्ट साइड प्रोफाइल। जहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको गाइज RC 125 की प्रॉपर ब्रांडिंग मिलेगी इसके पैनल पे एंड R15 से काफ़ी हद तक सिमिलर निकल के आ जाती है, लेकिन R15 की लुक थोड़ी और बेटर अच्छी आ जाती है। यहाँ पे जो ओल्ड वाली RC आती थी भाई, उसकी लुक कोई भी नहीं निकाल सकता, चाहे R1 की बात करिए, चाहे यहाँ पे आप बात करिए RS 200 की या फिर ये न्यू वाली RC 125 की, भाई लुक अलग ही निकल के आ जाती है। बाकी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको पूरी बॉडी फेयरिंग देखने को मिलती है फाइबर की एंड नीचे आते हो तो यहाँ पे गाइज आपको काउल देखने को मिलेगा। इंजन पे रेसिंग 125 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है आपको KTM की एंड यहाँ पे पूरा ओवरऑल स्टिकरिंग आप देख रहे हो, मैट सा यहाँ पे पूरा टचेस देखने को मिलेगा आपको एंड 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे E20 की ब्रांडिंग मिल जाती है फ्यूल लोक पे एंड यहाँ पे गाइज आपको पूरा स्प्लिट गियर लीवर देखने को मिलता है एंड यहाँ पे रियर में मोनोशॉक का सस्पेंशन देखने को मिलेगा ये गियर लीवर। यहाँ पे गाइज आपको फुटरेस्ट मिलेगा देखने के लिए एंड साड़ी गार्ड मिल जाता है, टायर हगर मिल जाता है, सस्पेंशन आप देख ही रहे हो, स्प्लिट सीट्स देखने को मिलता है एंड सीट की क्वालिटी यहाँ पे कुछ नहीं काफ़ी सही है एज कम्पेयर टू ओल्ड RC। एंड यहाँ पे आप देखते हो कुछ ऐसा पूरा टेक्सचर मिल जाता है, इधर ग्लॉसी मिल रहा है ऑरेंज एंड यहाँ पे आपको मैट वाइट देखने को मिल रहा है। एंड गाइस अगर देखते हो मीटर कंसोल को, तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जहाँ पे गाइस आपको IRPM लो फ्यूल इंडिकेटर, इंजन चेक लाइट, ABS टर्न लाइट इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम का इंडिकेशन मिलेगा, बीच में स्पीडोमीटर मिलेगा, यहाँ पे गाइस आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर मिलेगा, ऊपर यहाँ पे टाइम मिल जाता है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी स्विचेस को देखते हो तो गाइस यहाँ पे आपको इंजन कट ऑफ का स्विच मिलता है, सेल्फ का स्विच मिल जाता है, पल्सर में जो आता है वही सेम देखने को मिलेगा यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको बैकलाइट भी देखने को मिलता है। एंड लेफ्ट साइड देखोगे गाइस यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम एंड यहाँ देखने को मिलेगा पास लाइट एंड इधर मिलेगा भाई टर्न लाइट इंडिकेटर एंड इधर हॉर्न का स्विच, काफ़ी सही सा यहाँ पे आपको पूरा स्विच की क्वालिटी वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पे कूलेंट के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है कूलेंट फिलिंग करने के लिए। बाकी लुक ओवरऑल काफ़ी सही मिलता है, हैंडलिंग भी इसका काफ़ी सही है एंड स्पोर्टी सेगमेंट की व्हीकल है तो इनिशियल पिकअप वगैरह काफ़ी सही मिल जाता है। इधर आपको की लुक मिलेगा सीट को ओपन करने के लिए एंड ये है गाइस इसकी ओवरऑल रियर प्रोफाइल। जहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको LED टेल लैंप मिल जाते हैं, यहाँ पे टर्न लाइट इंडिकेटर्स LED मिलते हैं, यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप, यहाँ पे नॉन फंक्शन रिफ्लेक्टर, टायर हगर एंड यहाँ पे अगर गाइज बात करते हो रियर टायर प्रोफाइल की, तो ये भी गाइज रेडियल आता है फ्रंट की तरफ, तो अगर आप कॉर्निंग वगैरह करते हो तो कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली है, व्हीकल काफ़ी अच्छी तरीके से स्टेबल रहेगी कॉर्निंग पे एंड ओवर टर्न होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं। एंड अगर बात करें रियर टायर प्रोफाइल की गाइज, तो 150/60 सेकंड टायर मिलते हैं 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील एंड यहाँ पे गाइज आपको मिल जाते हैं 230mm का डिस्क ब्रेक, फ्रंट एंड रियर दोनों में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। एंड इंजन की बात एंड डायमेंशन वेट की हम लोग करेंगे अभी, यहाँ पे गाइज आपको रेडी टू रेस की ब्रांडिंग मिल जाती है
एंड ये है इसकी ओवरऑल राइट साइड प्रोफाइल, जहाँ पर अगर आप देखोगे इधर फुटरेस्ट मिल जाता है, यहाँ पे ब्रेक लीवर मिलेगा एंड ऐसा कुछ गियर मिल जाता है आपको, गियर लीवर आपको स्प्लिट मिलता है एंड ब्रेक लीवर तो नॉर्मल आता ही है भाई, यहाँ पे कुछ ऐसा इंजन मिलता है। एंड बात करें इंजन स्पेसिफिकेशन की गाइस, तो यहाँ पे आपको 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिलता है, जो जनरेट करता है मैक्स पावर 14.34 BHP 3250 RPM पे। वहीं अगर टॉर्क की बात करें तो 12 Nm का टॉर्क मिलता है आपको 1000 RPM पे, तो कुछ ऐसा पावर टॉर्क मिल जाता है, लिक्विड कूल सेटअप के साथ आता है। एंड ये गाइस BS6 फेज 2 इंजन है जो कि E20 कंप्लायंट के साथ आता है, काफ़ी सही पावर एंड टॉर्क इसमें निकल के आ जाता है। 125 सीसी सेगमेंट में इसके ऊपर कोई भी बाइक नहीं आती, काफ़ी बढ़िया आपको पावर टॉर्क इनिशियल पिकअप वगैरह सब देखने को मिल जाता है। एंड एरोडायनेमिक्स सेफ होने की वजह से टॉप स्पीड काफ़ी अच्छी इसकी निकल के आ जाती है। एंड माइलेज की बात करेंगे तो कंपनी क्लेम करती है 37 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, एंड यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13.7 लीटर की मिलती है, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था। एंड गाइज ये है गाइज इसके ओवरऑल साइड प्रोफाइल। एंड अगर गाइज बात करें इसके ओवरऑल हम लोग डायमेंशन वेट की, तो इसकी कर वेट 160 kg देखने को मिल जाती है। एंड सीट हाइट जो कि काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, यहाँ पे आपको काफ़ी लंबा सीट हाइट देखने को मिलता है 124 mm का, जो कि थोड़े अगर शॉर्ट हाइट के लोग होंगे तो उनको काफ़ी दिक्कत होने वाली है, बिकॉज लीन होना पड़ता है इसका सीट पे बैठने के लिए, हैंडल पकड़ने के लिए। तो थोड़े से शॉर्ट हाइट वाले लोग होंगे तो उनको हैंडलिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थोड़ा मोड़ा आने वाली है, वैसे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे व्हीकल जो लेते हैं उनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा सही रहती है तो ज़्यादा बेटर रहता है। एंड गाइज यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 158 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि थोड़ी सी और ज़्यादा होनी चाहिए थी। अगर आप इसको हिली एरियाज माउंटेनियन एरिया में लेके जाते हो तो नीचे से कॉल लड़ने का थोड़ा डर रहेगा, लेकिन अगर आप बचा के राइड करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड गाइज अगर बात करेंगे लेंथ की, तो 1977 mm की लेंथ मिलती है, व्हील बेस 1341 mm की मिल जाती है इसमें आपको, तो व्हील बेस तो सही मिलता है यहाँ पे आपको। एंड गाइज अगर बात करें वारंटी की, तो यहाँ पे आपको गाइज 2 ईयर के स्टैंडर्ड वारंटी एंड 30,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी देखने को मिल जाती है KTM की तरफ से। एंड गाइज लुक वगैरह सब सही है। एंड अगर देखते हो बॉडी वॉडी इसको, तो यहाँ पे आपको पूरे फाइबर के बॉडी पैनल देखने को मिलते हैं, एंड जो फिट एंड फिनिश है वो ठीक है भाई, लेकिन अगर आप थोड़े से रफ्तार में गिरोगे तो काफ़ी लंबा नुकसान इस पर आ सकता है, तो अगर आपको परचेस करिएगा तो काफ़ी संभाल के इसको राइड करिएगा। एंड यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के वाइजर मिल जाते हैं जो कि स्लाइटली ट्रांसपेरेंट है। एंड यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस एलोगन सेटअप हेडलाइट मिलते हैं, LED टर्न लाइट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, रेडियल टायर आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में देखने को मिलता है। तो अगर आप कॉर्निंग करते हो, हाई स्पीड में कॉर्निंग करते हो, तो व्हीकल ओवर टर्न नहीं होती है एंड काफ़ी बढ़िया ग्रिप बना रहता है रोड पे। एंड बाकी पूरा LED सेटअप में आपको देखने को मिलता है रियर में, चाहे बात करो टर्न लाइट इंडिकेटर एंड ब्रेक लाइट की। इन्फोटेनमेंट मैंने आपको दिखाई दिया है, मीटर कंसोल एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ब्लैक एंड वाइट मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है इसमें आपको। एंड यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इसका मीटर कंसोल देखने को मिलता है। एंड प्राइसिंग की बात करें गाइस, तो 1.89 lakh यहाँ पे आपको एक्सोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग इस व्हीकल के हिसाब से, पावर एंड टॉक के हिसाब से, लुक के हिसाब से प्राइस आपको ठीक मिल जाता है अपने RC125 में। देख रहे हो तो सिमिलर R15 पे आ जा रहा है, तो यहाँ पे KTM का भरोसा एंड KTM का एक ब्रांड मिल रहा है इस प्राइस रेंज में, तो बहुत अच्छी बात है। एंड 125 cc सेगमेंट में सबसे ऊपर ही आ जाती है, इसके ऊपर आपको कोई भी व्हीकल नहीं देखने को मिलती है। सो गाइज ये थी अपनी KTM RC125 की फुल डिटेल रिव्यू। एंड सीट हाइट मुझे इसका थोड़ा सा ज़्यादा लगा, एंड यहाँ पे आपको डिस्टेंस भी काफ़ी तगड़ा मिलता है सीट से एंड इसका जो हैंडल है। बाकी हैंडलिंग तो काफ़ी सही रहने वाली है, यहाँ पे आपको काफ़ी सही हैंडल देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन बढ़िया है, USG4 सस्पेंशन देखने को मिलता है, तो हाई स्पीड में अगर ब्रेकर आता है या फिर जिगजैग रूट आ जाता है तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये परफॉर्म करता है वहाँ पे, एंड व्हीकल स्टेबल रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एंड रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन आता है, तो कंफर्टेबिलिटी की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको RC125 में। बाकी लाइटिंग वगैरह भी सही मिलता है, आगे LED दे देता है तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। सो गाइस ये था अपने RC125 का फुल डिटेल रिव्यू। होप करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट हमेशा पाने के लिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।